ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती। चलो शिनचैन, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उठो। हाँ, स्कूल जाना है शिनचैन, अब उठ भी जाओ। मॉम प्लीज मुझे सोने दो। बेकार की बातें बंद करो और उठ भी जाओ। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। मॉम अभी तो रात हो रही है। मुझे लग रहा है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मॉम। स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने मत बनाओ, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, समझे? शिनचैन, ये क्या तुमने कल अपने स्कूल की ड्रेस ऐसे ही बाहर छोड़ दी? ऐसा क्यों किया? मैंने कल तुम्हें अपनी सारी चीजें संभाल कर रखने के लिए कही थी, तुम सब भूल गए क्या? सच में मैंने तो ये पहली बार बुना है। बुना नहीं, सुना है, समझे? तो मॉम सुबह सुबह आज नाश्ते में आपने क्या बनाया है? फिलहाल तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है शिनचैन। चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सुना नहीं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखिए मॉम, मेरे स्कूल बस के आने का टाइम हो गया है। शिनचैन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शिनचैन, तुम तैयार हो गए हो? जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है बेटा। ठीक है मॉम। गुड मॉर्निंग शिनचैन। गुड मॉर्निंग योशिनागा मैम। गुड मॉर्निंग शिनचैन। क्या हुआ, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? शायद इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसे डांटा है। हाँ, शायद इसी वजह से बहुत चुप सा है मैम। योशिनागा मैम, मैंने गलती से अपने डैड के शूज पहन लिए। इतना समझाने के बाद भी शिनचैन कुछ समझता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे हमारी बात मानने लगे। हाल ही में सुना गया है कि काफी माओं को अपने बच्चों को पालने में मुश्किलें आ रही हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चों के किए हुए कामों में कमियां निकालती हैं, उन्हें डांटती हैं और फिर बाद में अपने किए पर पछताती हैं। वैसे स्वाभाविक है कि आप गलतियों पर अपने बच्चों को डांटती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा डांटने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं बजाय कम होने के। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपका बर्ताव अपने बच्चे के प्रति नम्र रहेगा तो आप जरूर अपने बच्चे में कई अच्छाइयाँ ढूंढ पाएंगी। इसलिए ये अच्छा है कि आप अपने बच्चे की कमजोरियाँ छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आज हमें जानकारी दी उसे सब। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। शिनचैन को मुझे सब कुछ प्यार से समझाना चाहिए, तो मैं ऐसा करूँगी। जब वो वापस आएगा तो मैं उसकी खूब तारीफ करूँगी। शिनचैन, तुम्हारा स्वागत है। हाय मॉम, मैं घर आ गया। बाय, फिर मिलेंगे शिनचैन। शिनचैन बेटा, अपनी मैम को बाय कहो। अलविदा योशिनागा मैम, फिर मिलेंगे। हाँ, अब इसे क्या हो गया? बहुत बढ़िया, एक्शन कामेन भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता है और मॉम भी आज से ऐसे ही बोलेंगी। अलविदा योशिनागा मैम, हम फिर मिलेंगे। केक खाऊंगा। जरा रुको, वो पहली चीज क्या है जो तुम्हें घर लौटकर करनी चाहिए? मुझे पता है मॉम, घर आने पर हमें करना चाहिए डिंग डांग डांस डिंग। पर पहले कपड़े बदल लो। शिनचैन, आज तुमने स्कूल में क्या किया? आज मैंने बनाया एक रोबोट जो मेरे एक फेवरेट रोबोट जैसे दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम अपनी मॉम को नहीं दिखाओगे? पर शायद मैंने उसे अच्छा नहीं बनाया मॉम। तुम ऐसा मत कहो बेटा और मुझे लाकर दिखाओ। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। हाँ, ओफो, ये क्या? मेरा नेकलेस। ओह, मैं समझ गया, ये आपको पसंद नहीं आया। क्या करूँ मॉम, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, क्या सचमुच? बल्ले बल्ले, ये बहुत अच्छा बना है। मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए, तभी सब ठीक होगा। और उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे, मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल शांत। वाह, तुम तो
बहुत अच्छे कलाकार हो, हैरी भी देखकर हैरान हो जाएंगे सचमुच। वाह, ये तो बेहतरीन है, जैसे तुमने अपने खिलौनों को बिखेरा है, कमाल है। अरे वाह, तुमने शिमला मिर्च छोड़ दी, बहुत अच्छा किया तुमने, पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा समझदार बच्चा नहीं है। वाह, तुम्हारा बोल रखने का अंदाज बिल्कुल अलग है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शिनचैन। क्या हुआ शिनचैन, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी, आओ ना बेटा। नहीं, 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 नहीं। प्यारे शिनचैन, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, बल्कि कर रही हूँ, तुम बहुत समझदार हो, क्या बात है तुम्हारी। मैं घर आ गया। अरे मित्सी, मैं घर आ गया। बड़ी अजीब सी बात है, आज तो मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अरे मित्सी, शिनचैन, क्या हो गया तुम दोनों को? आज मैंने इसकी इतनी तारीफ की कि मैं आखिर में बीमार पड़ गई हैरी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मेरी भी तबीयत खराब हो गई।